हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है मेरे चैनल अपनी अतरंगी दुनिया में। तो आज है आर्या का बर्थडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 हो रहे हैं और मैं जल्दी जाग गई थी, लेकिन थोड़ा सा आर्या को मैंने सुलाया फिर से। तो फ्रेंड्स, रात को साबूदाना भिगा दिए थे क्योंकि खीर बनेगी। आज कथा है, आज जन्मदिन पे कथा करवाएंगे आर्या के सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे इस बार, पापा की तबीयत ख़राब है। तो बस जितना भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, अंदर मैंने क्लीनिंग कर ली है, अभी मैं बाहर हॉल की सफाई कर रही हूँ क्योंकि यहीं पर हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। कहीं बाहर जाना है नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो हम लोग हॉल में ही बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सोफ़ा वगैरह सेट कर देती हूँ, उसके बाद मुझे चुनना। हैप्पी बर्थडे टू यू, गुड मॉर्निंग बोलो पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब लोग आर्या को बर्थडे विश कर रहे थे, वो कुछ मैंने क्लिप्स डाली है यहाँ पर। और आर्या का चल रहा है ब्रेकफास्ट, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आर्या जाग गई थी, उसके बाद मैंने उसको चाय टोस्ट खिलाया, फिर उसके बाद मैंने उसको नहला दिया है, जल्दी ही नहला दिया था क्योंकि कथा है आज। तो पंडित जी 10 बजे तक आ जाएंगे, तब तक हम लोगों को खाना भी कंप्लीट बना के रखना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले भोले बाबा की पूजा करने जा रही हूँ, मैं डेली इनकी पूजा करती हूँ, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। आना, मेरा बर्थडे है। चिन्नू रेडी हो गए। हेलो, आज चिन्नू का बर्थडे है। सब लोगों से हाय बोलो। हाय बोलो सब लोग। आना मेरे बर्थडे में, सब लोग बर्थडे विश कर रहे हैं चिन्नू को। अभी कथा कराएंगे, पंडित जी आएंगे, है ना। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे शाम को। बुआ नहीं आ पा रही अभी तक चिन्नू की। आएगी बुआ शाम को? आएगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रसादी बनाएंगे। तो प्रसादी में सबसे पहले यहाँ पर खीर बन रही है और साथ साथ मैंने यहाँ पर चरणामृत भी बना दिया है। और ये मैंने खीर के लिए साबूदाने भिगो के रख दिए थे। और ये है पंजीरी, इसमें मैं तुलसी दल डाल रही हूँ जिससे ये कंप्लीट हो जाए। और बहुत ही स्वाद लगता है पंजीरी का, जब कथा के बाद इसको सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा प्रसादी रेडी हो चुका है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ रायता, क्योंकि खाने में आज है घोटा के आलू और खीर जो मम्मी ने बना दी थी। मैंने रायता रेडी कर दिया है तब तक, और मैंने जब तक प्रसादी भी तैयार कर दी थी। यहाँ पर मैं कथा की सारी सामग्री इकट्ठी करके रख दूंगी क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं। अभी बज रहे हैं 9:15, तब तक हम लोगों का खाना भी रेडी हो चुका था क्योंकि जल्दी ही कर लिया था क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। यहाँ पर मेरी सारी सामग्री रेडी है और मैंने हॉल में चौक भी बना दिया। देखिए, यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, वो अपनी पूरी सामग्री लगा रहे हैं। तो बस देखते चलिए आगे क्या क्या हुआ। कथा का समापन हुआ, यहाँ पर हमारा भोग भी रेडी है। यहाँ पर है कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, रायता और मिठाई है, पूड़ियाँ हैं, खीर है, और ये सब चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं। तब तक भगवान जी का भोग लगेगा। और यहाँ पर अब पूर्ण आहुति होने वाली है, तो मम्मी और हम लोग सब लोग आ गए हैं। ज़्यादा कोई नहीं था, हम लोग घर के ही थे, इससे घर शुद्ध हो जाता है, इसलिए सोचा था कि घर में एक बार कथा करा लें क्योंकि अभी काफ़ी दिन से सब लोग बीमार थे। तो
फ्रेंड्स, कथा के बाद आरती हुई। आरती के बाद फिर कन्या बुला ली थी तो उनको भोजन कराया। सबसे पहले मैं उनके पैर धोए और उनको तिलक किया, उसके बाद सबको भोजन कराया। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि और कोई ज़्यादा सदस्य नहीं थे जो आसपास में, आंटी थी उनको और उनके बच्चों को, और घर में कन्या वगैरह, इनको ही खाना खिलाया। और उसके बाद फिर शाम को सेलिब्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए लस्सी, क्योंकि दीदी वगैरह दंद्रवा आई थी तो वो लोग भी आ गए थे। पहले कोई फाइनल नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं या नहीं, फिर सब लोग आ गए हैं। तो अब मैं सबसे पहले लस्सी बनाऊंगी, इसके बाद डेकोरेशन कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे क्योंकि दीदी को वापस भी जाना है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आगे चलिए, बर्थडे का सेलिब्रेशन इंजॉय कीजिए। ये छपरिया पार्टी के बाद फ्रेंड्स, सब दीदी वगैरह जीजा जी ने खाना खाया, फिर वो लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। हो चुका है, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था चुन्नू के जन्मदिन का, छोटा सा था, घर में था,
बट लेकिन बहुत मज़ा आया सबके साथ। दीदी वगैरह आई थी दंदरुआ तो वो भी आई थी, तो सबने मिलके केक काटा। अभी सब लोग चले गए, मैंने बर्तन वगैरह भी क्लीन करके लगाती हैं, अब जा रही हूँ सोने के लिए। आपको ब्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बोल दो गुड नाइट। अब निन्नो टाइम, इट्स टाइम टू निन्नो टाइम, बाय कर दो डुब्बू, बोलो बाय, बोलो फिर मिले।